इंडिया 7th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री, 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक होल्डर, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर एंड वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री। इतने कमाल है हमारा इंडिया, और मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। और इसीलिए ही हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 ऐसी चीज़ें जो आपको इंडियन होने के लिए प्राउड फील कराएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री होने के साथ साथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री भी है, वो आज $1 trillion के साथ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। बट 2030 तक कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी $85 trillion, और तब इंडिया 2nd मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री हो जाएगी USA के बाद। और एक इंडियन होने के नाते ये हम सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड चीज़ है। नंबर 9, पॉवर्टी। अब हम पॉवर्टी को हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, बट शायद ये पॉवर्टी 2030 तक पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग इंडिया की 22% ऑफ द पॉपुलेशन 2011 में पॉवर्टी के नीचे थी, और वही 2019 में हो चुकी है 17%, और 2030 तक शायद ये 15% से भी कम हो जाए। इसका मतलब 2030 में सिर्फ 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंडर होगी। नंबर 3, मिलिट्री पावर। अब भले इंडिया आज के टाइम पे मिलिट्री पावर में 4th पोजीशन पे है, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 2030 तक ये चाइना को ओवरटेक कर लेगा, और शायद 2050 तक ये रशिया को भी ओवरटेक कर ले, और इसका मतलब 2050 में इंडिया शायद सुपर पावर कंट्री भी बन जाए। नंबर 4, स्पाइसेस। इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे स्टैंड करता है स्पाइसेस के प्रोडक्शन में, और इसीलिए ही शायद इसे कहा जाता है द लैंड ऑफ टेस्ट एंड स्पाइसेस, और हमारे इंडिया में ही वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस भी बेची जाती है, जिसे कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टेट है कश्मीर, और इसका 1 ग्राम भी 250 रुपीज़ का होता है। नंबर 5, लैंग्वेज। अब भले ही इंडिया में सिर्फ 22 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बट एक्चुअली हर दिन इंडिया में 300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब एक सीक्रेट फैक्ट बताता हूँ कि एक्चुअली हमें एक लैंग्वेज सीखने में भी सालों लग जाते, फिर भी हम उस लैंग्वेज में बेस्ट नहीं बन पाते, बट इंडिया में इतिहास से लेके आज तक टोटल ऑफ 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जा चुकी है, और इतनी सारी लैंग्वेज बस एक कंट्री में बोलना इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल, बट फिर भी हमारे इंडिया ने कर दिखाया है। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, और अगर आपको इस वीडियो से एक इंडियन होने का प्राउड हुआ है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, प्लीज़ बी वेटेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।